मित्रों, आजकल बहुत कॉमन देखा जाता है कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और अमेरिका के नोबेल पुरस्कार विजेता मेडिसिंस के क्षेत्र में उनको 2021 में मिला था डेविड जूलियस, उनका भी इस पे चिंता उन्होंने व्यक्त की कि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है और आने वाले 2040 तक 90% से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस शो करेंगी। अब आप देखेंगे कि जैसे कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी, जो स्किन पे पिंपल्स होते हैं फेस के ऊपर, वो उसी के कारण होते हैं। और आप अगर क्रीम मार्केट से लाते हैं, आप लगाते हैं, आपने भी खुद देखा होगा कि कुछ दिनों बाद दोबारा से जब पिंपल्स होते हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में हॉस्पिटल में पेशेंट होता है, ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद फिर से इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्लिबसेलिया निमोनिया पाया जाता है कि पेशेंट को निमोनिया हो गया था, क्लिबसेलिया निमोनिया कॉज करता है। तो इस तरह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक का प्रभाव है पहले से कम हो गया है, और नई नई बायोमेडिसिंस की आवश्यकता की अब ज़रूरत है। इसीलिए आज एक प्लांट का हम बात करेंगे जो इनोवेटिव बायो फॉर्मुलेशंस बनाने में हेल्प कर रहा है। सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के कम्बिनेशन के साथ इसका एक्सट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं। इसको साधारण रूप से कुछ लोग ब्रह्म कमल कहते हैं, लेकिन ये ब्रह्म कमल नहीं है। ब्रह्म कमल सोसोरिया ओवालाटा होता है, जबकि ये एपिफिलम है, एपिफिलम ऑक्सीपेटलम इसको कहा गया है। ये कैक्टेसी फैमिली का है। इसके लीव्स आप देख रहे होंगे, इसके लीव्स के मार्जिन में यहाँ से रूट डेवलप हो जाती है, एडवेंटिशियस रूट्स यहाँ से डेवलप होती हैं, इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। इसका जो लीव्स हैं यहाँ से इसमें रूट डेवलप होती है। इसके जो लीव्स के माध्यम से इसमें पाए जाने वाले नीचे ट्यूबर के माध्यम से, और ये जो इसका फ्रेजाइल जो इसका स्टेम है इसके माध्यम से इसका प्रोपेगेशन साधारण रूप से कर सकते हैं आप लोग। और इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड्स, सेपोनिन, फिनोलिक कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में और भी इम्यूनिटी को बढ़ाने, इम्यूनो मॉड्यूलेशन का कार्य करने में विशेष सहायक रहता है। और अब आप देखेंगे कि जो इसके लीव्स होते हैं इसका आप पेस्ट बनाकर वुंड हीलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी घाव को भरने के लिए। और इसके जो फ्लावर होता है, वाइट कलर का जो फ्लावर होता है, उसका हॉट इन्फ्यूज़न बनाएं, उसका ड्रिंक करने से वो ना केवल न्यूट्रिशन की कमी को दूर करता है बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। बदलते हुए मौसम में इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कार्डियोटोनिक का भी कार्य करते हैं, हृदय को बल देने का भी कार्य करते हैं। उसको आप हृदय का बल बढ़ाने के लिए और इसके पेस्ट को घाव को भरने के लिए, कई बार देखा जाता है कि डायबिटिक या पुराना पेशेंट अगर कोई है तो उसमें घाव नहीं भरते हैं, ऐसे केस में इसके पत्तों का आप पेस्ट बनाकर लगाइए, घाव भरने में विशेष सहायक रहता है। और इसके फ्लावर्स का हॉट इन्फ्यूज़न ड्रिंक करने से आप जो है हर्ट को मजबूती देते हैं। और इसका जो सूप बनाते हैं इसके लीव्स का, फ्लावर्स का, वो सूप भी न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है, और उसके अंदर वाजीकरण की क्षमता भी होती है। एफ्रोडाइसिक के रूप में आप उसको इस्तेमाल करते हैं। साथियों, इन्फ्यूज़न दो तरह से बनाया जाता है, हॉट इन्फ्यूज़न और कोल्ड इन्फ्यूज़न। हॉट इन्फ्यूज़न का मतलब होता है कि आप गर्म पानी के अंदर फ्लावर्स डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए, फिर आप उसको सेवन कर लीजिए। कोल्ड इन्फ्यूज़न में आपको नॉर्मल तापक्रम का पानी लेना होता है, वो बनाया जाता है, उसमें कोई बॉयलिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को बढ़ते हुए बैक्टीरियाज के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर से अगर हमने आपको बताया सुडोमोनास ओरिजिनोसा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी और क्लिबसेलिया निमोनिया, जो कि बहुत ही घातक हो जाते हैं,
और बढ़ते हुए एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस से निराकरण के लिए सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के साथ इसके एक्सट्रैक्ट की इनोवेटिव फॉर्मुलेशंस बनाई जा रही हैं। और जब तक कि ये मार्केट में आए उससे पहले आप अपना स्वास्थ्य संरक्षण के लिए इसके फ्लावर्स का, इसके लीव्स का और इसके नीचे पाए जाने वाले ट्यूबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आप अपने मित्रों को, साथियों को प्लांट को शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम।